तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों सभी दिन की तरह के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, जो कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य रह चुके हैं वो प्रधानमंत्री बना, उसका नाम आप देखिएगा श्री के माध्यम से, वो भी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की और देखते हैं क्या है इसका वीडियो। तो आप देख रहे हैं दोस्तों की राज्यसभा से बने हुए प्रधानमंत्री, तो राज्यसभा से बने हुए प्रधानमंत्री इसका ट्रिक भी बहुत ही फनी है, भगवान इंद्र पे रिलेटेड है, आप उसको भी देख पाइएगा। इसका ट्रिक है इंद्रासन, देव इंद्र का मन मोह लिया, इंद्रासन यानी जिसपे देव इंद्र यानी सिंहासन उसका था, उसी इंद्रासन उसका मन मोह लिया था, क्योंकि जितने भी राक्षस होता था सबसे पहले देव इंद्र पे वार करता था, इसलिए ये सिंहासन छोड़ना नहीं चाहते थे, उसका मन मोह लिया था। देखिए राज्यसभा, तो पहले हम राज्यसभा के बारे में कुछ जानते हैं। तो राज्यसभा के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे उसमें दो पार्ट होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा हो गया निम्न सदन और राज्यसभा जो हो गया वो हो गया उच्च सदन। तो देखिए कोई भी अगर बिल पास होता है, कोई भी बिल यानी कोई भी अधिनियम पास करना हो तो पहले सरकार को लोकसभा में पास किया जाता है, अगर लोकसभा में पास हो गया तो वो भेजता है राज्यसभा को, और राज्यसभा में भी पास हो गया तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर ये दोनों में हो गया तो समझे कि 100% राष्ट्रपति भी उस पर साइन करेगा। लेकिन तीन तलाक जो आया था अधिनियम, लोकसभा में बीजेपी की जनसंख्या अधिक थी इसलिए सदस्य अधिक थी, इसलिए वहां बिल पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में कम था वहां रुक गया, तो राज्यसभा में रुकने के कारण ही वो बिल पास नहीं हो पाया। तो ये हो गया उच्च सदन, यानी ये हो गया उच्च सदन और लोकसभा हो गया निम्न सदन। तो इसका जो सदस्य रह चुके हैं वो भी प्रधानमंत्री बना है, ये बहुत मायने रखता है। हर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, उसका नाम आप देखिएगा स्त्री के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आप क्या देख रहे हैं, इंद्रासन, इंद्रासन यानी इंद्र का सिंहासन। तो इंद्रासन, इंद्रासन से आप सब याद रखेगा, देखिए इसमें आप देख रहे हैं इंद्रा, इंद्रासन। तो इंद्रा से आप सब याद रखेगा इंदिरा गांधी, दोस्तों ये इंदिरा गांधी राज्यसभा का पहले सदस्य रह चुका है, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बना। और दोस्तों ये अपने समय में इतना संविधान को ना अनुच्छेद बदला, संविधान बदला कि छोटा संविधान कहे जाने लगा। अधि थोड़ा दिन यह रहता तो संविधान समझिए तो पूरा काम ही तमाम कर देता। चलिए तो यहां तक तो देख लिए, इंद्रासन इंद्र देव, तो देव, तो देव से आप सब याद, देव से आप सब याद रखिएगा कि एच डी देवगौड़ा, यानी देव से आप सब याद रखिएगा एच डी देवगौड़ा। देवगौड़ा, उसके बाद देखिए इंद्र, इंद्रासन देव इंद्र, इंद्र से आप सब रखिएगा इंद्र कुमार गुलजार। तो यहां तक तो समझ लिया इंद्रासन, इंद्रासन देव इंद्र का। तो का है दोस्तों, तो का इसमें साइलेंट वर्ड में है, आप सब याद रखिएगा। का इसमें साइलेंट वर्ड में है। उसके बाद मनमोहा, इंद्रासन देव इंद्र का मनमोहा, तो आप सब मनमोहा से याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह।
डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहां तक तो हो गया। ये जो दोस्तों था ये मनमोहन सिंह, ये हमारे देश के नेता, जब हमारा देश विभाजन हुआ तो इनका घर पाकिस्तान में पड़ गया था, लेकिन वहां से रिटर्न इंडिया में आके रहने लगे। और ये बहुत ही बड़े अस्त्र शास्त्री है ये। जब अमेरिका का वहां का जो इकोनॉमी गड़बड़ाया तो मनमोहन सिंह ही जाकर वहां का इकोनॉमी को सुधारा था। और इंडिया का भी इकोनॉमी गड़बड़ जब हो गया तो यही सुधारने वाले व्यक्ति है, तो इन्हें याद रखिएगा, बहुत ही मायने है। ये भली शांत रहता है लेकिन बहुत बड़े विद्वान है ये। उसके बाद है, तो है से आप सब याद रखिएगा, है भी एक साइलेंट वर्ड में है, ताकि आप सबको याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम साइलेंट वर्ड में इसको जोड़ दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये समाप्त हुआ। दिया तो स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप सब जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों तो वीडियो को आज यही रोकते हैं, तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए जय हिंद।